नाय सांगितलं बोलू नाय ना विचारता दाम तिला सभी फील्डर दौड़ बना रहे कप्तान के पास एकता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रियो यूनिटी कप 2019 मैच चल रहा है विक्टोरिया बनाम कोलंबिया एक्जोटिका एक्वा पहला ओवर चल रहा है बैटिंग कर रहे हैं कोलंबिया हेलो हेलो इतर किला कर बोले बहुत ही बढ़िया शॉट कॉल है प्योर फील्डर वापस मुझे कबीर एक ओवर समाप्ति स्कोर हुआ है छह रन छह बॉल में छह रन आज आज नसे सी दोन मैच बाकी आहेत दोन मॅच बाकी आहेत म्हणजे आठ साडेआठ नऊ पकड अंपायरिंग करने आ रहे हैं जीतू और लेग अंपायर पोजीशन में जीतू सासोर क्या चला अगले बॉलर दूसरा ओवर करेंगे सेहत अरे त्यांनी फोन चलता आता मला सोळा दिवस नाही बोलत दहा दिवसाची बाकी आहे बोलत दहा दिवस बोलतोय त्याला आता त्याला बोलले मी मी बाहेर आहो म्हटलं फोन करता घरी हो एक और बड़ा शॉट बाउंस बैक की दिशा में चार रन दस रन दो गेंद में रियो यूनिटी कप आप यूट्यूब पर लाइक भी दे सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर व्हाइट बॉल होता था लेकिन उसे छू कर दौड़कर एक रन फिर से एक और वही कोशिश पर इस बार नाकाम और स्कोर हुआ है
23 run, 23 runs. रियो यूनिटी कप का ये आज का पहला दिन, कल एक और दिन, ये पूरा दिन टूर्नामेंट चलेगा और रात को आखिर में फाइनल मैच खेला जाएगा रियो यूनिटी के 2019। और बॉलिंग करके आ रहे हैं अंपायरिंग कमिटी के महर्षि, बहुत धन्यवाद बॉलिंग की वापसी विक्टोरिया के महर्षि। माझे काय दाखवते एकटा प्रतिष्ठा के ऍक्टिव्ह बॉलिंग परशी स्वत बॉलिंग करे काय ना कालीच मरतो हॅलो तिरसे गावची दिशा आहे अप्पा का इशारा माझा टेकला का तुला मदतला और विश्वास भी यहाँ पर मौजूद है, मैच का मजा ले रहे हैं पॉइंटिंग के बाद से विश्वास अचरेकर हमारे मित्र। और एक रन लेफ्ट साइड पर उछाल दिया है सीधा विक्टोरिया के सीजन के हाथ में पहली कामयाबी महर्षि के लिए। बहुत ही बढ़िया बॉल का प्रदर्शन करते हुए विक्टोरिया के महर्षि काफी खुश लग रहे हैं, 150 रुपया वसूल हो गया उनका। अगले बल्लेबाज प्रफुल्ल आया इस वक्त बैटिंग के लिए कोलंबिया एक्वा एक्वाटिका के प्रफुल्ल, बॉलिंग करेंगे महर्षि। चुप गए काफी नजदीक थे विकेट के, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन विक्टोरिया के खिलाड़ी काफी उत्साहित लग रहे इस वक्त। बाएं हाथ के गेंदबाज गुड मैन एंड लेंथ पर बॉलिंग कर रहे पर इस वक्त मिस कर दिया और अंपायर का इशारा वाइड। एक और विकेट, बहुत बड़ी सफलता यहाँ महर्षि के लिए और विक्टोरिया के लिए, एक ही ओवर में दो विकेट लिए है महर्षि ने, कप्तान काफी खुश। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए प्रफुल्ल आउट हो चुके हैं। अगले बल्लेबाज 24 नंबर की जर्सी में सनान, एक ही बॉल बचे महर्षि के, सोच रहे होंगे कि शायद 8 बॉल का ओवर होता तो मैं एक और विकेट लेता। इस ओवर की आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए विक्टोरिया की टीम। और ये अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे, ये वाइड बॉल दिया गया है
बहुत शुक्रिया दिया दो, ऐसे अतिरिक्त गेंद नहीं मिलते, इससे अतिरिक्त रन भी मिलते हैं। प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर महर्षि और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विक्टोरिया की तरफ से। महर्षि गेंद की ओर में 3 विकेट, फील्डर का बहुत ही बड़ा कैच, नाम बता दिया गया फील्डर का अमित, बहुत ही बड़ा कैच और बॉलिंग। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है इस वक्त 28-28 रन। के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 28 यानी 28। अब और 3 ओवर के इस बारी के एकता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रियो यूनिटी कप 2019 आप YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर और टीवी स्क्रीन पर भी। एक और बढ़िया गेंद देखते हैं आप पर का इशारा, कोई इशारा नहीं, बॉल काउंट किया गया। दूसरी गेंद दौड़ करके हम एक रन, इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन में दिख रही है विक्टोरिया की टीम, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन विक्टोरिया की तरफ से। उछाल दिया है ऑफसाइड पर, फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ चौथा सफल विकेट, 4 विकेट खो दिए हैं। बहुत ही खुश लग रहे हैं कप्तान विक्टोरिया के चेयरमैन समीर कोलेवल। बॉलिंग के लिए आ रहे हैं फिर से एक बार स्टार बॉलर महर्षि, पहले ओवर में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, 6 गेंदों में 3 विकेट, देखना होगा इस ओवर में क्या कमाल करते हुए कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें एक और ओवर दिया है इस वक्त। वेरी क्लोज ओवर थ्रो और ये अंपायर का इशारा नॉट आउट, हल्की सी मिसफील्डिंग का नतीजा 1 रन।
hati bintang Mercy Pekorikane. Gitu. Dusre lagi pukar per
मना कर दिया स्ट्राइकिंग एज से बैट्समैन ने और अगली गेम कोई इशारा नहीं की तरफ और गोपी नजदीकी मामला था और इसी के साथ एक सफलता प्राप्त हुई समीर को और अगला विकेट खो दिया है गोपी ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43 रन 43 रन जीतने के लिए चाहिए 6 ओवर में विक्टोरिया को 44 रन देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेंगे विक्टोरिया बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग किया पर स्टार बॉलर वर्षी ने 4 विकेट लिए ओपनिंग बैट्समैन बोल रहे हैं समीर बता दीजिए आगे और नया बॉल दिया गया इस इनिंग की शुरुआत में मिला क्या आपको आपको नया बॉल नए इनिंग की शुरुआत में हर इनिंग की शुरुआत में नया बॉल दिया जाता है टीम को और बैटिंग के लिए उतर रहे हैं विक्टोरिया के चेयरमैन और टीम के कप्तान समीर पटेलकर और सहयोगी बल्लेबाज मोई टारगेट है 6 ओवर में 44 रन 44 रन इन 36 बॉल लक्ष्य काफी बड़ा नहीं लग रहा है देखते हैं कामयाब होगा या नहीं टॉस अगले अगले दो टीम अगले मैच के दो खिलाड़ी यहाँ पर आ जाइए टॉस के लिए इनिंग्स के बीच में अगले मैच पर टॉस होता है एकता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रियो यूनिटी कप 2019 एकता प्रतिष्ठान सभी तरह के धार्मिक सामाजिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस बार क्रीड़ा के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में इन्होंने रियो यूनिटी कप का आयोजन किया गया है टॉस के लिए आए सिद्धार्थ और दर्शी टॉस करेंगे और ऑलराउंडिंग कमिटी के चेयरमैन के नॉटिका नॉटिका ने टॉस जीतकर बॉलिंग की बात की है और इसी के साथ अगले पारी की शुरुआत विक्टोरिया बनाम कोलंबिया ग्रैंड पहले ओवर की पहली गेंद बहुत ही नजदीकी मामला गेम चर्चा में यहाँ पर आप उनके साथ फील्डिंग टीम के खिलाड़ी
No ball. Umpire ka isyara, no ball. बहुत ही अनुभवी कंपेयर है हमारे पिच पर इस वक्त जितेंद्र रेडकर और जीतू बहुत ही रोमांचक हो गया ये मैच, छोटा टारगेट है, 44 रन चाहिए केवल जीतने के लिए विक्टोरिया के लिए। एक ही बॉल हुआ है अब तक पहले ओवर की, आप दूसरी गेंद उठा दिया है फुल टॉस बॉल पर, फिल्टर हुआ पर मौजूद और कैच ले लिया है पीके ने। पीके ने कैच लिया है, बोलिंग यहाँ पर लौटते हुए कोई भी स्कोर करते हुए थोड़े से निराश और हताश अगले बल्लेबाज विक्टोरिया के अमित अमित करेंगे बल्लेबाजी, सहयोगी बल्लेबाजी खुद के कप्तान समीर। अगले बल्लेबाज विक्टोरिया के अमित दूसरी गेंद में विकेट खो दिया विक्टोरिया है, स्ट्राइकिंग पर है इस वक्त हम सबके चाहते खिलाड़ी विक्टोरिया के कप्तान समीर कोमलगर। हाँ चले तो ये तेरा जा नहीं तीसरी बहुत बढ़िया शॉट शरीर की ओर से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए समीर कोमलगर। दूसरी गेंद में आउट ऐसी उम्मीद नहीं थी कप्तान से, फिर भी कुछ तो रखते हुए पॉजिटिव एनर्जी होती है उनके साथ हमेशा। अंपायर के इशारे का इंतजार, दो विकेट खो दिया है पहले ओवर में विक्टोरिया ने, दो विकेट। दो ओपनिंग बैट्समैन अपना विकेट खो चुके हैं, एक और शॉट लेग साइड की तरफ और ये चौका, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो जाएंगे हमारे स्कोर और यश जिनके अनुसार अब स्कोर हुआ है 11 44 पांच गेंदों में 33 पांच ओवर में 33 अभी भी मुमकिन है ये लक्ष्य, बस थोड़ा संयम रखते खेले विक्टोरिया के खिलाड़ी।
पांच ओवर में 33 बॉलिंग करेंगे मितेश, 11 नंबर की जर्सी पहने हुए बॉलर है मितेश। प्लेयर सोच चुके थे सभी दर्शकों से निवेदन है आप बाउंड्री के बाहर खड़े रहिए। अगले मितेश उछाल दिया है फिर से एक बार लेग साइड पर और अपर का इशारा छह। माइक सिलेक्ट आईएनटी माइक हाँ सिलेक्ट करो आईएनटी माइक हाँ समझ ला ना लेग साइड पर यादव सब शॉट ले जाते हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा कोशिश लेकिन एक रन चुरा लिए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पर। दूसरी पारी के लिए दूसरा ओवर चल रहा है इस वक्त। दर्शकों से निवेदन है कृपा करके मैदान के बीच बॉल ना पाए अतिरिक्त। फिर से एक बार लेग साइड के फील्डरों पर ज्यादा भार। और इसके साथ दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 21। विक्टोरिया का स्कोर दो ओवर दो विकेट होकर 21। जीतने के लिए चाहिए 44 का टारगेट है, लक्ष्य है 44। 23 रन चाहिए 24 गेंदों में 23 रन मुमकिन लक्ष्य है। सैयद के साथ इसी तरह से बैटिंग करनी होगी विक्टोरिया को। कैप्टन काफी निराश लग रहे हैं, अपनी टीम का उत्साह बढ़ा है लेकिन एकता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रियो यूनिटी कप 2019 एक एक रन की पारी खेलते हुए इसी तरह खेलेंगे तो भी मुमकिन है उनकी जीत। देखते हैं खेल में क्या बदलाव आते हैं विरोधी टीम के फील्डर और बॉल। तीसरा ओवर चल रहा है ओ लेग साइड पर से डिलीवरी लॉकर लेग था लगभग ये बॉल छूकर केवल दौड़कर
एक रन, अंपायर का इशारा, लेग बाय 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 फिर से एक बार उसी दिशा में, इस बार बैट को छू कर गई, और पिच के एकदम सामने जो हमारे दर्शक खड़े हैं उनसे निवेदन है क्लियर किया जाए, बल्लेबाज को परेशानी होती है सिक्स और फोर लगाने में। और ये अच्छा मौका था पर गवा दिया, फिर से एक बार उसी दिशा में एक रन, काफी नजदीकी मामले हो रहे यहां पर, विकेट जाते जाते बच रही है। स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ बढ़ रही है, उत्साह का माहौल है इस वक्त रियो यूनिटी कप 2019 को देखने के लिए। आप अपने यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर और टीवी स्क्रीन पर यूट्यूब द्वारा। फिर से एक बार नजदीकी मामला और बच गए, एकता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ये रियो यूनिटी कप 2019 का आज पहला दिन, सुबह 9 बजे से चालू है मैचेस, कल भी पूरा दिन रहेंगे, ऐसे मैचेस का आप लाभ उठा सकते हैं। स्टेडियम में 25 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 2 विकेट खोकर 25। फिर से एक बार बॉलिंग के लिए आए मितेश, चौथी ओवर इस पारी की फेंकेंगे मितेश। तीसरा विकेट खो दिया है विक्टोरिया की टीम ने। अगले बल्लेबाज रो 17 नंबर की जर्सी में रोहित आएंगे बल्लेबाजी के लिए 3 विकेट के बाद। गेंदों में 19 रन चाहिए, 17 गेंद और जीतने के लिए 19, काफी नजदीकी और ये रोमांचक मैच हो सकता है अगर इसी तरह संयम के साथ बैटिंग करें विक्टोरिया की टीम तो जीत की पूरी उम्मीद, पर विरोधी टीम भी काफी उत्साह, बहुत ही अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के बॉलर नितेश। एक और रन विक्टोरिया के लिए, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और एक और रन, कोई मौका नहीं छोड़ रहे विक्टोरिया के बल्लेबाज, हर बॉल पर एक रन तो ले ही रहे हैं, इसी तरह से चलते रहे तो भी जीत सकते हैं। अगली एक विकेट थी और लेफ्ट साइड में फिर से एक बार और एक और रन इस बॉल के लिए, दो गेंद और बची है, चौथी ओवर चल रही है, बॉलिंग कर रहे हैं मितेश,
आगे से छूकर दूसरी बॉल और इस बार भी फिर से एक रन चुरा गया विक्टोरिया ने। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हौसला अफजाई करते हुए उनके टीम के खिलाड़ी और उनके सपोर्टर। आखिरी गेंद नितेश त्योर की आखिरी गेंद। अंपायर का इशारा नॉट आउट। निराश होते हुए बॉलिंग में परिवर्तन होगा। चार ओवर की समाप्ति पर तीन विकेट खोकर स्कोर हुआ 29 यानी कि 29। बारह गेंदों में 15 रन चाहिए विक्टोरिया को जीतने के लिए। गेंद होंगे 12 रन की आवश्यकता 15। एकता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ये रियो यूनिटी कप 2019 एकता प्रतिष्ठान एक संस्था है पालावा के भीतर जो सभी तरह के धार्मिक सामाजिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस बार खेल के क्षेत्र में इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है रियो यूनिटी कप और हमारे स्पॉन्सर है जुबे रेस्टोरेंट कल्याण चिल्ड रोड पर मुक्ता रेसिडेंसी में हमारे आज के इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर जुबे रेस्टोरेंट। उछाल दिया है देखना होगा मैं रोहित के बाद विक्टोरिया ने एक बार विकेट खो दिया है। देखना होगा आगे और कितना रोमांच बढ़ता है इस मैच में विक्टोरिया बनाम एक्वा कोलंबिया और एंजोलिया। और अगले बैट्समैन है पहले पारी के स्टार बॉलर जिन्होंने चार विकेट लेकर कमाल की बॉलिंग का प्रदर्शन किया था। देखना होगा अब बैटिंग में क्या प्रदर्शन करते हैं। चार विकेट खो दिए विक्टोरिया ने। और बहुत ही अच्छा शॉट फिर एक बार सिर्फ एक रन। तेरह रन चाहिए नौ विकेट में। फिर से एक बार मजे का मामला गिर गए कीपर। बता दीजिए बैट बाय नहीं चाहिए आप नाराज। ओ फिर से कॉल चल दिया लेफ्ट साइड पे फील्डिंग और एक रन। काफी रोमांचक मोड है इस वक्त दोनों टीम के खिलाड़ियों में जीत की हुई बाहर का डर। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद दूर कर चौका लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए वर्षी स्कोर हुआ है 37। छह गेंदों में सात रन चाहिए विक्टोरिया के लिए। बहुत ही नजदीकी मामला रोमांचक बोल दोनों खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल जीत की उम्मीद और हार का डर ऐसी स्थिति हुई इस वक्त। देखना होगा कौन सी टीम बाजी मारती है। अगले बॉलर का नाम बताइए। नाम बताइए बॉलर का स्कोरर।
संदीप, संदीप करेंगे इस पारी का आखिरी ओवर, विक्टोरिया के खिलाफ बॉलिंग करेंगे संदीप। 6 गेंद बचे हैं, जीतने के लिए चाहिए केवल 7 रन। विरोधी टीम की कम नहीं, सही मौके पर उन्होंने विकेट उठा लिया है, यहाँ पर सही मौके पर सही विकेट। अगले बल्लेबाज 16 नंबर की जर्सी पहने हुए बैट्समैन का नाम बताइए, विक्टोरिया के कप्तान समीर बैट्समैन का नाम बताइए, बेनाम बैट्समैन है शायद प्रपोर। 5 गेंद 7 रन, शाम का यह वक्त रियो ओलंपिक कप 2019 बहुत ही रोमांचक मोड पर आकर होगा ये मैच। अभी अभी विकेट खोई है विक्टोरिया की टीम ने, अब केवल 7 रन चाहिए आखिर के 5 रन। बहुत ही अच्छा बैटिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से, बहुत ही उत्साह का माहौल, दोनों ही टीम पूरा जोर लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, देखते हैं। फिर से एक बार नजदीकी मामला, बहुत ही बढ़िया गेम, 4 बॉल 7 रन बैटिंग करे विक्टोरिया के महर्षि, बॉलिंग में उन्होंने कमाल किया था, अब यही मौका है अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए महर्षि के लिए। उछाल दिया है ऑफसाइड पर, कीपर वहां पर मौजूद और बहुत ही बढ़िया खेल, एक दूसरे की तैयारी बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, हल्की सी मिस फील्ड और नतीजा 2 रन चुरा लिया। तीन गेंद जीतने के लिए 5 रन, 3 गेंदों में 5 रन, दोनों तरफ से पूरा जोर लगा रहे, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दोनों तरफ के खिलाड़ी, फिर से एक बार बैटिंग का भार महर्षि पर। हल्का सा टच स्लीपर की ओर बॉल, स्लीपर साइड पर 1 रन। बहुत ही रोमांचक मोड और विकेट, पूरे स्टेडियम में उत्साह का माहौल, दोनों टीम नर्वस, दर्शकों में उत्साह। अगले बल्लेबाज नाम बताइए, 2 गेंद आखिर के 2 गेंद और जीत के लिए 4 रन, बैट्समैन रहेंगे महर्षि, बैटिंग स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक रेंज के बैट्समैन का नाम बताया जाए स्कोरर को, श्रीधर आए हैं महर्षि, आपके जूतों की लेस बांधते हुए पूरे एक छोटी का जोर लगाएंगे टीम को आगे ले जाने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। 2 गेंद और 4 रन, बैटिंग में भी और इसी के साथ
Israel, Bobby Bayer, Bertie Graber, Nashan Gatilan, Balsi. Kingdom के गोल के रूप में चार विकेट लिए थे, बहुत ही ज्यादा योगदान अपने टीम को जिताने के लिए बर्शी का, सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अगला मैच खेला जाएगा।